नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों देख रहे हैं, एक साइड का इन्वर्टर है और इसमें सप्लाई दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या है कि इन्वर्टर काम नहीं कर रहा है। आउटपुट सप्लाई तो दे रहा है, लेकिन लाइट कटते ही इन्वर्टर काम करना चाहिए, इन्वर्टर काम नहीं कर रहा है। अभी लाइट है तो आउटपुट सप्लाई दे रहा है, लेकिन बैटरी चार्ज नहीं कर रहा है। उसके बाद में पैनल पर जो भी यहाँ इंडिकेटर शो करता है, मेन वाला और चार्जिंग वाला या UPS वाला, कोई भी यहाँ पैनल पर जो लाइट है, इंडिकेटर है, शो नहीं कर रहा है। तो इस ये क्या हुआ है कि काफ़ी दिन से बंद पड़ा होने की वजह से ये जो है इसका बैटरी डाउन हो चुका है, बैटरी माइनस में चला गया है। तो चलिए सबसे पहले बैटरी का सप्लाई चेक कर लेते हैं, वोल्टेज चेक कर लेते हैं कितना वोल्टेज बतला रहा है। तो यहाँ हम मल्टीमीटर से क्या करेंगे, अभी जो है इन्वर्टर में सप्लाई दिया हुआ है, मेन सप्लाई दिया हुआ है, फिर भी आउटपुट सप्लाई जो है बैटरी का, जो DC वोल्टेज देता है बैटरी चार्ज करने के लिए, तो वो कितना दे रहा है। तो यहाँ मल्टीमीटर का रेड वाला जो प्रोब है बैटरी का प्लस वाला पर, और ब्लैक कलर का जो प्रोब है बैटरी के माइनस वाला पॉइंट पर हम रख कर चेक करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं मल्टीमीटर में शो कर रहा है 1.780, यानी कि जो है 1 वोल्टेज ये बैटरी चार्ज है। तो 1 वोल्टेज चार्ज है, बिल्कुल जो है बैटरी बैठ चुका है। तो अब उसको चार्ज करने के लिए हमको करना क्या होगा, एक अलग से छोटा सा 12 वोल्ट का बैटरी लेंगे। तो चलिए यहाँ मेरे पास एक छोटा सा बैटरी है 12 वोल्ट का, चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं कितना वोल्टेज ये है। तो यहाँ देख रहे हैं 13.60 वोल्ट, यानी कि लगभग 13। तो छोटी वाली बैटरी जो है 13 वोल्ट चार्ज है और बड़ी वाली बैटरी 1 वोल्ट चार्ज है। अब इसको चार्ज करने के लिए, बड़ी वाली बैटरी को चार्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, बैटरी को बाहर निकाल देंगे और यहाँ पैरेलल में कनेक्शन करना है, यानी कि छोटी वाली बैटरी के माइनस वाला वायर है, ब्लैक वाला जो वायर है, बड़ी वाली बैटरी के माइनस पर ज्वाइन करेंगे और छोटी वाली बैटरी के रेड वाला जो वायर है, बड़ी वाली बैटरी के प्लस पर पॉइंट पर हम ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ प्लस वाला ज्वाइन किए हैं और माइनस वाला वायर जो है टच करेंगे। देख रहे हैं टच करते ही सिटी का, यानी कि बजर का आवाज़ आ रहा है। अब यहाँ 12.64 वोल्ट बता रहा है। तो यहाँ अब इन्वर्टर पर क्या है कि जो भी इंडिकेटर है, इंडिकेटर पहले नहीं जल रहा था, अब इंडिकेटर भी जल रहा है, मेन ऑन है, उसके बाद में चार्जिंग वाला और लो बैटरी का भी इंडिकेटर जल रहा है। तो अभी वायर को हटा दिए हैं छोटी वाली बैटरी का, इसलिए यहाँ लो बैटरी का इंडिकेटर पॉइंट हम सटाएंगे। तो यहाँ इस तरह से बैटरी का पॉइंट हम खूंटी में सटा देंगे। तो यहाँ जो है चार्जिंग वाला और मेन वाला केवल जल रहा है, अभी इन्वर्टर ऑन नहीं है, इसलिए कि इन्वर्टर ऑन बैटरी फुल चार्ज होने के बाद में इन्वर्टर को ऑन कर लेंगे। अब यहाँ कुछ समय के लिए क्या करेंगे कि बैटरी को इसी तरह से हाथ से टच करके देखेंगे। तो यहाँ पर अभी 10 वोल्ट चार्ज हो चुका है, देख रहे हैं 10 वोल्ट बता रहा है, 10.40 के लगभग में है। तो इसको हम क्या करेंगे कि 12 वोल्ट, कम से कम 12 वोल्ट तक चार्ज करना है। तो इसी तरह से हम 10 मिनट तक, कम से कम 10 मिनट तक दोनों, वो छोटी वाली बैटरी और बड़ी वाली बैटरी को पैरेलल में डायरेक्ट जोड़कर 10 मिनट तक इसी तरह से रहने देंगे। तब तक यहाँ जो बैटरी का जो वाटर लेवल है, तो यहाँ देख रहे हैं सबसे नीचे वाला पॉइंट पर चला गया है। तो ये तो ठीक है, पानी इसमें भरा हुआ है, तो इसमें पानी वगैरह चेक कर लेना है। अब चलिए फिर बैटरी का, छोटी वाली बैटरी का वायर हटाकर देखते हैं। तो देख रहे हैं 12 वोल्ट चार्ज हो चुका है, 12 वोल्ट चार्ज हो चुका है। अब धीरे 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 क्या होगा कि बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ 12.35 वोल्ट, अब यहाँ पर 12.35 है तो 34 नहीं होना चाहिए, 36 होना चाहिए। इस तरह से वोल्टेज जो है बढ़ना चाहिए, यानी कि 12 या 13 के लगभग में होना चाहिए। तो यहाँ जो है बैटरी कुछ डाउन हो चुका है काफ़ी दिन से बंद होने की वजह से। तो अब इसको कुछ घंटे चार्ज करेंगे तो बैटरी चार्ज हो जाना चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा कैसा रहा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, चलते हैं दोस्तों।